अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, वाराणसी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए 6 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में रोड शो किया और चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वह जहां जाते हैं खुद तो डूबते ही हैं, दूसरों को भी ले डूबते हैं। बिहार में देखा होगा कांग्रेस के लीडर हैं, नौजवान लीडर हैं, जानते हैं, डू यू नो अबाउट द यंग लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। अभी हाल में आए थे कोल्लम तट पर, जो है राहुल गांधी हमारे जो समुद्र के जो फिशरमैन है उनके साथ छलांग लगा रहे हैं। मैं अपने ब्रदर सिस्टर्स को यह बताना चाहता हूं, सावधान रहिएगा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। जहां जाते हैं खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं। यूपी में अमेठी वालों से पूछ लीजिएगा, आज भी अमेठी पिछड़ा हुआ है, उसको डुबाकर फिर वायनाड को डुबाने के लिए आ गए। अब इधर फिशरमैन कम्युनिटी के प्रति उनका अफेक्शन बहुत बढ़ गया। कहते हैं कि यदि हमारी गवर्नमेंट सेंटर में बनी, कांग्रेस की गवर्नमेंट, भाई सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी ही नहीं। यदि हमारी सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट यदि बनी तो हम अलग से फिशरमैन के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाए, जबकि 2019 में ही नरेंद्र भाई मोदी अलग से फिशरमैन के लिए मिनिस्ट्री बना चुके हैं। अब इतनी भी जानकारी नहीं, वह इस देश को कहां ले जाएंगे इसकी आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने फिशिंग को फार्मिंग के बराबर का स्टेटस दे दिया, और इसलिए फिशरमैन को मैं यह कहकर जाना चाहता हूं, आपको भी क्रेडिट कार्ड और लोन दिया जाने लगा, और आगे के दिन में कहते जैसे फार्मर्स को मिलता है वैसे फिशरमैन को मिलेगा, और 6,000 रुपी पर ईयर जो फार्मर्स के अकाउंट में प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पैसा देते हैं, वैसे ही फिशरमैन के भी अकाउंट में पर ईयर 6,000 रुपी आएंगे। वहीं पुडुचेरी में एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने के लिए वहां कैंप कर रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की तरह व्यवहार कर रही हैं। शुभेंदु अधिकारी के गाड़ी पर अटैक नहीं हुआ है, ये ममता बनर्जी के फ्रस्ट्रेशन के कारण हुआ है। ममता बनर्जी आई थी सत्ता में सीपीएम के हिंसा के विरोध में, लोकतंत्र में हिंसा का जगह नहीं है, लेकिन ये अब सीपीएम से भी आगे बढ़ गई है, कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग के स्टाइल में चल रही है, अपने विरोधियों की हत्या करना चाहती है, ये अपने विरोधियों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती है, ये आतंक का रूप ले ली है, लेकिन इसका सफाया 2 मई को दिखेगा। ये हिंसा नहीं, अहिंसा चाहिए, शांति चाहिए, फ्रस्ट्रेशन है ममता बनर्जी का, सत्ता से जाना तय है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ममता बनर्जी और भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के पिता के बीच सोमवार को जमकर जुबानी जंग हुई। पूर्व मेदिनीपुर जिले की इस प्रतिष्ठित सीट पर जबरदस्त प्रचार चल रहा है जो आज शाम को थम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरे चरण के चुनाव के तहत 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता शिशिर अधिकारी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यह मेरी गलती है कि मैंने उन्हें इतना प्यार दिया। ममता बनर्जी ने कहा, मैंने एक ही परिवार को कम से कम 10 पद दिए और उन्होंने इस तरह से उसका प्रतिफल दिया, उन्होंने जहरीले गद्दारों की तरह विश्वासघात किया, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। ममता बनर्जी के आरोपों पर शिशिर अधिकारी ने कहा, वह निरर्थक बातें कर रही हैं क्योंकि वह समझ गई हैं कि वह नंदीग्राम से हार रही हैं। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने शुभेंदु के कारण नंदीग्राम आंदोलन का लाभ उठाया, जिन्होंने सीपीएम के आतंक के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए शुभेंदु और मेरा इस्तेमाल किया, वह अब हमारे खिलाफ बोल रही हैं क्योंकि हमने उनके काम करने के तरीके का विरोध किया। उनका नंदीग्राम और बंगाल के लोगों के सामने पर्दाफाश होगा, ऐसा शिशिर अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा।